Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve exercise 2.3. Chapter name is polynomial, 4 class 10. Basically, ऐसे तो मैं जितने भी एक्सरसाइज की सॉल्विंग स्टार्ट की हूँ सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन करूँगी इसमें. जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में गिवेन है इस वीडियो में मैं सारे का सॉल्यूशन करूँगी. तो सबका मैंने मतलब स्टार्टिंग मैंने किया कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से रिलेटेड के. यहाँ पे चूँकि डिवाइड करना है, लॉन्ग डिविजन करना है, जो कि ऑलरेडी आप क्लास 8, क्लास 9 और फिर अब आ गए हो क्लास 10 में, है ना. डिवाइड करने की बात हो रही है तो डिवाइड करने का कुछ मतलब एक छोटी सी बातें उसे मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ. कि जैसे कि सपोज दैट ये जी ऑफ एक्स से को मतलब से हमें इसको डिवाइड करना है ना. तो ये हो गया हमारा ये डिवाइजर और ये हो गए डिविडेंड, है ना. इसे हम डिविडेंड के जगह पे लिखेंगे पी ऑफ एक्स को, जो हमारा पॉलिनोमियल है ना. इस पॉलिनोमियल को डिविडेंड के जगह पे लिखेंगे, जी ऑफ एक्स है उसे हम डिवाइजर के जगह पे लिखेंगे. और जो हमारा जैसे कि इसमें फाइंड करने के लिए दिया गया कि डिवाइड द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. तो क्वेश्चन को लिखेंगे क्यू ऑफ एक्स एंड रिमाइंडर को लिखेंगे आर ऑफ एक्स, है ना. मतलब क्यू देख करके ब्रैकेट में ऐसे एक्स लिखेंगे और जिस इसी तरीके से रिमाइंडर के लिए आर दे करके उसमें एक्स लिखेंगे ब्रैकेट में. इसका रूल क्या है डिवाइड करने का, छोटी सी बातें को पहले समझ लेते हैं फिर डिवाइड करें. तो रूल क्या है ना कि हमारा इसके मैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते जाती हूँ और स्टेप बाई स्टेप उसके रूल को भी एक्सप्लेनेशन करते चली जाती हूँ. फर्स्ट पार्ट है आपका पी ऑफ एक्स ये है एंड जी ऑफ एक्स. तो ये हो गया हमारा जी ऑफ एक्स जो कि मैंने अभी बताया कि डिविडेंड सॉरी डिवाइजर है एंड ये हो गया हमारा डिविडेंड प्लस में फाइव एक्स माइनस थ्री. अब जब स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना तो हमारा जो रूल है ना तो हम सारे पार्ट को सारे के साथ नहीं देखते हैं, है ना. ये सिंपल सा जैसे आपने अभी तक कॉन्स्टेंट वैल्यू का जब डिवाइड किया था तो एक पार्टिकुलर सिंगल नंबर होता था. बट यहाँ पर क्या है कि एक्स की कोई वैल्यू है. अब आफ्टर सॉल्यूशन जब इसकी एक्स की कोई एक वैल्यू डालते हो तो इनके सॉल्यूशन के करने के बाद वो सिंगल डिजिट में ही आएगा, है ना. मतलब कि कोई एक ही कॉन्स्टेंट वैल्यू आएंगे. बट चूंकि ये वेरिएबल के साथ है तो ये टू टर्म्स में है. तो रूल क्या है ना कि हम फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं, है ना. इसका और इसका बाकी मतलब इनको क्या करते हैं इस तरीके से मतलब कि इसको डिवाइड करते हैं सॉरी इसका टेबल पढ़ते हैं कि वो इनका मल्टीपल करने के बाद इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाए, है ना. फर्स्ट टर्म के की वैल्यू जो है वो फर्स्ट टर्म के बराबर आ जाए और बाकी जो फर्स्ट टर्म से हमने जो जिसके उसके साथ जो मल्टीपल किया वो जो हमारे दूसरे टर्म है उसको भी हम उसी से मल्टीपल करेंगे. जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो हमें एक्स क्यूब लाने के लिए क्या करना होगा. तो यानी कि कहने का मतलब है क्या वी कैन से दैट एक्स क्यूब इट मीन्स एक्स मल्टीपल एक्स एंड अपॉन में एक्स मल्टीपल एक्स. ये टू एक्स कैंसल हो गए बचा क्या एक्स. अगर एक्स से मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं एक्स लिखूँ यानी कि एक्स टू द पावर वन एंड एक्स को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो उनके पावर प्लस हो जाएंगे एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, है ना. लाइक एक्स स्क्वायर मल्टीपल एक्स ये पावर वन है तो क्या हो जाएगा एक्स दोनों में कॉमन हो जाएंगे पावर थ्री हो जाएंगे. चलो ये लिया एक्स क्यूब और ये क्या है माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस एंड एक्स को टू से मल्टीपल करेंगे. तो हाँ ये ध्यान देने वाली बात है जब हमें हमारा टर्म जो है वो इसके बराबर आ रहा है तो हम यहीं पे लिखेंगे यानी 2x. ओके अब ये डिवाइड का रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे कि क्या किया जाता है यहाँ पे माइनस किया जाता है. अब हम दोनों के साइन को कंपेयर करते हैं तो इसका अपना साइन प्लस है तो माइनस प्लस अब इसका साइन माइनस हो गया और माइनस माइनस इसका साइन प्लस हो गया. क्योंकि इसका पॉजिटिव है और इसका निगेटिव है तो ये कैंसिल हो गए और ये एज इट इज लिख देंगे इसे एंड दोनों का साइन जो है वो प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस 7x माइनस 3. नाउ अब आ गया हमारा
नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है कि ये 3x है, 3x स्क्वायर है, 3x आसान। सबसे पहला बात कि जो साइन यहाँ पे है उसी साइन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, जो साइन रहेगा सेम साइन। ओके, अब x स्क्वायर तो है, अब हमें 3 की जरूरत है, इट मीन्स 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस, एंड ये 3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6। अब आ गया हमारा माइनस, अब फिर से अगेन वही डिवाइड वाले रूल जो सिंपल डिवाइड के होते हैं, माइनस माइनस इसका क्या हो गया प्लस, और माइनस प्लस माइनस। अब ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि इनके साइन अपोजिट है। अब ये एज इट इज लिख देंगे, प्लस में 7x है ना, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, जब माइनस माइनस को प्लस करते हैं तो प्लस तो करेंगे बट साइन उनकी नेगेटिव होगी, माइनस 9। आंसर क्या आया, आंसर हमारा जो आया तो q ऑफ x इक्वल टू ये वाली पार्ट x माइनस 3 एंड r ऑफ x जिसे रिमाइंडर कहते हैं विच इज 7x माइनस 9। ओके, आई समझ में। नेक्स्ट पार्ट की सॉल्यूशन करते हैं, सेकंड पार्ट विच इज ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ, अब हमारा जो क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, डिवाइसेस जो है उसे सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे होते हैं कि उसे अरेंज करना पड़ता है। गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस एक्स। अब इसे अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अकॉर्डिंग टू डिग्री है ना, अकॉर्डिंग टू डिग्री हम उसे अरेंज कर देते हैं। तो जब हमने फाइनल ये हमने इसका जो डिवाइडर है, डिवाइजर है, उसे हमने अरेंज कर लिया। अब डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, एंड हमारा जो डिविडेंड है वो है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 5। ओके, नाउ इन दोनों के बीच का सबसे पहले रिलेशन जानेंगे तो क्या है, x स्क्वायर से अगर मल्टीपल करते हैं इस पूरे पॉलिनोमियल को तो क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर से करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, ऐसे भी आप कर सकते हो, x टू द पावर 4 है ना माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब एंड ये हो गए प्लस में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब एंड ये हमारा एक्स्ट्रा में आ गया है ना, तो या तो आप इसे बाद में लिख दूँ ज़्यादा बढ़िया है, इसके सामने मैं इसे लिख दूँ प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस में एक्स क्यूब। चलो इस तरीका से भी लिख करके क्योंकि सॉल्व करना है, दैट्स वाई माइनस। ओके, साइन विच इज माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आ जाएगा हमारा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और सबसे पहले तो ये लिखेंगे प्लस एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, अब आगे 4x प्लस में 5। ओके, नाउ अब क्या किससे मल्टीपल करेंगे, x क्यूब है हमारा यहाँ पे ये, तो क्या करेंगे, अब साइन क्या है प्लस है तो प्लस x के साथ करेंगे, तो x के साथ करेंगे तो ये प्लस में ही आएगा x क्यूब। चलो x ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 मल्टीपल x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस में एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस में एक्स है ना, ये आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक होने की कोई भी संभावना नहीं। चलिए आगे चलते, साइन चेंज करें, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस होंगे बट ग्रेटर साइन जो है वो नेगेटिव है, दैट्स वाई ये हो जाएंगे 3x स्क्वायर एंड एक्स माइनस अगेन ये 3x एंड प्लस में 5। अब यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, सिर्फ हमें क्या लेना है टर्म यानी कांस्टेंट वैल्यू माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ओके, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x एंड माइनस प्लस माइनस 3। ओके, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस
प्लस, ये कैंसल हो गया, ओके, माइनस प्लस ये भी कैंसल हो गए, और ये प्लस प्लस है, दोनों ऐड हो गए, आ गया 2। तो क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एंड आर ऑफ एक्स विच इज 8। नाउ लास्ट पार्ट विच इज, फिर से हमारा जो डिवाइजर है उसे अरेंज करने की जरूरत है। तो z ऑफ x क्या गिवेन है, इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे अरेंज कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। नाउ आफ्टर अरेंजिंग डिवाइड करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस में 6। ये हमारा नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो नेगेटिव वाले से मल्टीपल करेंगे यानी माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव में, फिर ये माइनस प्लस माइनस होगा और एक्स स्क्वायर है तो आप इसे यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, 2x स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस कैंसल हो गया, ये इसे हम पहले, फिर हम इसे क्या डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, ओके। अब अगेन यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर तो है बट हमें यहाँ पे 2 से जब मल्टीपल करेंगे, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव से ही मल्टीपल करेंगे तब भी वो पॉजिटिव आएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 2 से जब मल्टीपल किया तो ये आ गया 2x स्क्वायर। किसी किसी कंडीशन में ऐसा है कि ध्यान देना होता है कि हमें इस साइन को चाहिए मल्टी, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मतलब इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद हमें ये सेम साइन चाहिए, तभी हम साइन को चेंज करेंगे और आगे सॉल्यूशन को, फर्दर सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। फिर आ जाएगा हमारा ये 2 है, दैट्स वाई माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस एंड ये हो गए 2 2 4। साइन चेंज करेंगे, ये हो गए माइनस और ये हो गए प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 5x एंड प्लस में 10। हाँ, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अभी मैंने इसके पहले इस सॉल्यूशन से पहले मैंने आपको बताया था कि ये वाली साइन को शिफ्ट कर देते हैं, है ना, ये चीज़ बताया, तो वो हाँ कुछ हद तक वो बिल्कुल सही है, बट हमें फिर एक बात ये भी ध्यान देना होता है कि साइन जो है ना ये दोनों टर्म का, जब हम आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जब हम सॉल्यूशन के लिए जो फाइंड करेंगे उन दोनों की साइन जो है वो सेम होना चाहिए, तो इस तरीका से हम पुट करेंगे साइन को जिससे कि जो इसकी साइन है वही इसकी साइन होगी, तभी जा करके इन दोनों का साइन का के वजह से माइनस प्लस के वजह से दोनों की साइन ओपोजिट होगा और उस तब हम उसे कैंसिल कर पाएंगे। तो इस तरीका से एक एक छोटी छोटी सी बातें होती है जिस पे हमें ध्यान देना होता है, कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशनल चीज़ें आ जाती है, हम उन चीज़ों पे भी ध्यान देंगे, यहाँ पे कन्फ्यूज़न की काफ़ी चांसेस है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होने का, ऐसे सॉल्यूशंस भी आपके बहुत सारे होंगे तो उन पे अच्छे से ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आपका सॉल्यूशन ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाई डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाई द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो पॉलिनोमियल गिवेन है, ये देखो सेपरेट किया हुआ है कॉमा से, ओके, और इस दोनों पॉलिनोमियल को जो पहले पॉलिनोमियल से दूसरे वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो वो पॉलिनोमियल जो है वो पहला वाला पॉलिनोमियल है वो दूसरे वाला का फैक्टर आता है या नहीं। फैक्टर आने का मतलब हो गया कि यानी कि रिमाइंडर हमारा जीरो बचना चाहिए, तो क्या करेंगे कि इसे सबसे पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद अगर हमारा जो रिमाइंडर है जीरो आता है तो वो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो बस फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि डिवाइड किया वैसे ही इसको भी डिवाइड करेंगे और यस और नो में फिर आंसर देंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट, ओके, टी स्क्वायर माइनस 3 2t⁴ प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। आपको पता ही है, अब तक तो अच्छे से पता हो गया होगा कि फर्स्ट रिलेशन हमारा इनके बीच में होता है, बाकी का जो है वो जिससे ये कैंसल हो जाए, है ना, साइन और बिल्कुल एग्जैक्ट साइन भी सेम आनी चाहिए, टोटल टर्म ही सेम आनी चाहिए, बस हमें ये करना होता है। तो टी स्क्वायर टी से तो ये हो गया आपका 2t स्क्वायर लेते हैं तो ये आ गए 2⁴ एंड माइनस प्लस माइनस 3 2 6
टी स्क्वायर, ओके, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे दोनों प्लस करेंगे तो 9 टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर, एक मिनट, ये क्यूब है, हाँ ये क्यूब है, तो ये वाले पार्ट जो है ना यहाँ जाएंगे माइनस 6 टी स्क्वायर, यहाँ पे हमें रख लेना होगा। चलो ये हो गया प्लस, ये आ जाएंगे, पहले मैं इसे उतार दूँ एंड माइनस प्लस माइनस होगा बट साइन ग्रेटर का होगा, दैट्स वाई 4 टी स्क्वायर माइनस 9 टी माइनस 12, ओके। अगेन अब लेंगे प्लस है यहाँ पे, साइन प्लस लेंगे जिससे कि हमारा साइन दोनों का इक्वल आ जाएगा, 3t है ना, 3t, तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3t एंड t से करेंगे तो t का पावर जो है वो क्यूब हो जाएगा, तो 3t क्यूब एंड इसे करेंगे t से, तो ये आ जाएगा 3 3 90, ये आ गया हमारा 90, ये माइनस है और ये प्लस है। आगे चलते हैं, माइनस और ये प्लस, यहाँ पे ये कैंसल हो गया, प्लस 4 टी स्क्वायर एंड माइनस प्लस है ये कैंसल हो गए माइनस, ओके। अब यहाँ पे टी स्क्वायर है, 4 से अगर मल्टीपल करते हैं तो 4 टी स्क्वायर भी हो जाएंगे और 4 थ्री ज़ा 12 भी हो जाएगा, तो ये आ गए प्लस 4, तो ये आ जाएंगे प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस 12, माइनस प्लस कैंसिल हो गए, जीरो। रिमाइंडर क्या आया हमारा, जीरो आया, इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे मतलब रिमाइंडर, ये सेकंड ये फैक्टर है, फर्स्ट वाले जो हमारे पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, दैट्स वाई कि क्या होगा, इसे हम लिखेंगे यस। आंसर सेंटेंस में देना होगा यस, हाँ फर्स्ट पॉलिनोमियल ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट का भी सॉल्व करते हैं, इसे मैं रब करते चली जाती हूँ, ये वाली पार्ट जो है वो बार बार लिखना ना पड़े तो मैं इसे एज इट इज रहने दे रही हूँ। नो की जरूरत होगी उसमें नो लिख देंगे बट आगे अगर इसकी जरूरत हुआ तो यही सेम काम दे देगा। चलो हमारा ये पॉलिनोमियल ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1, 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 3x टू द पावर 4 एंड यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ, जब कंडीशन थोड़े बड़े पॉलिनोमियल हों तो आप कभी भी मतलब रिक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे इसको मल्टीपल कर दूँ जो भी आपने लिया है, तो ये आ जाएंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ओके, ये आ गए 3x टू द पावर 4 प्लस में 3 3 9x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर, अब यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे प्लस सॉरी प्लस है ओके 9x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर, चलो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस होगा ये नेगेटिव साइन होंगे, 4x क्यूब एंड अगेन माइनस माइनस ये प्लस होगा बट साइन जो है वो पॉजिटिव होंगे सॉरी निगेटिव होंगे। अब यहाँ पे जो मैं लूँगी डिजिट वो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 4x माइनस 4x, तो ये माइनस 4x के साथ करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 4x क्यूब एंड माइनस प्लस माइनस 4 3 12x स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस 4x, ये आ गए, हाँ इसे मैंने और आगे नहीं लिखा, चलो यहाँ नोट डाउन करेंगे
फोर एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x। ये हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। माइनस प्लस माइनस होगा बट ग्रेटर डिजिट जो है वो पॉजिटिव है 2x स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ प्लस हो जाएंगे तो प्लस 6x एंड प्लस में। अब जो रिक्वायरमेंट है 2 से मल्टीपल करेंगे प्लस 2, यहाँ पे भी मैंने इसे रब कर दिया 2, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस में 3 2 6x प्लस में 2, है ना। ये पूरा का पूरा आपका जो है वो कैंसल हो जाएगा, माइनस 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 कैंसल हो गए। और ये सेम पॉइंट एज फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, ये लिखने की हमें जरूरत पड़ गई क्योंकि इसका भी रिमाइंडर जो है वो 0 आया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या होता है। थर्ड पार्ट विच इज एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस में 1 डिवाइडेड एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, नाउ इनका रिलेशन यानी कि एक्स स्क्वायर देन एक्स टू द पावर 5 एंड अगेन फिर वही काम करो बेहतर होगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x क्यूब एंड प्लस में एक्स स्क्वायर, ये आ गए माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसल हो गया। माइनस प्लस माइनस होगा बट ये आ जाएंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए प्लस में 3x प्लस में। नाउ हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब है यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, सिर्फ और सिर्फ तो मैंने यहाँ लिखा नहीं एक माइनस 1, ओके माइनस 1 देन माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x एंड माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस प्लस, हाँ ये कैंसल हो गया और माइनस प्लस ये कैंसल हो गए बट ये ऐड हो गए और रिमाइंडर बचा हमारा 2। यहाँ पे यस के जगह पे नो करेंगे, नो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। तो इस तरीका से सेकेंड क्वेश्चन का मैंने तीनों पार्ट आपको सॉल्व करके बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक गिवन है जो कि बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट 5 अपॉन 3 एंड माइनस रूट 5 अपॉन 3। कहने का मतलब है कि जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं तो मतलब उनके जो नंबर ऑफ जीरोज है ना मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है उससे कम भी हो बट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के इतना होता है। तो जिसमें से 2 गिवन है तो हो सकता है कि अगर मैं फाइंड करूं तो जो 2 और फाइंड हो है ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो पाए, मैक्सिमम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने होनी चाहिए 4 मैक्सिमम, कहने का मतलब मैक्सिमम इसका 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है या तो यहाँ पर 2 गिवेन है। जब मैं एक और ऑप्टेंट करने निकलूं तो हो सकता है उसमें 2 और निकल आए या तो फिर 1 और निकले, तो वही हमें कितने और जीरो हैं वो हमें फाइंड करने के लिए कहा जाता है। बस हमेशा ध्यान रखना कि जो भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उतने होते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं। जैसे कि आप जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब मिडिल स्प्लिट करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि x की वैल्यू सेम ही आ जाते हैं ना, तो वो जीरो पॉलिनोमियल ही होता है। तो x की वैल्यू या तो सेम होता है 3 आया तो दोनों का 3 आया या तो फिर दोनों अलग अलग डिजिट आते हैं तो वो हो गए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो गए, अगर सेम आया तो 1 हो गए, यानी मैक्सिमम 2 ही उसका आ सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम 4 आ सकते हैं।
तो फर्स्ट स्टार्ट करें सॉल्यूशन थर्ड का. हाँ, गिवन फर्स्ट पार्ट में क्या है, गिवन जीरोस सॉरी ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 5/3 एंड माइनस रूट 5/3. तो ये क्या है, इट मीन्स क्या है, एक एक्स की वैल्यू है हमारा 5/√5/3. जब इस रूट को दूसरे इस साइड में लाएंगे तब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अंडर रूट 5/3 इक्वल टू 0 है ना. दूसरा हमारा क्या आएगा, दूसरा आएगा सिमिलरली एक्स इक्वल टू गिवेन है कि -5/3. अगर इसे इक्वल के इस साइड लाए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे अंडर रूट 5/3. ये टू जीरोज हैं. अब इन दोनों जीरोज का क्या होता है, सारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन इन सब के बीच का रिलेशन क्या होता है, मल्टीपल का होता है. जब हम फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जब मिडिल स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है, उनके बीच का मल्टीपल का रिलेशन होता है. तो वही काम करेंगे हम. तो क्या होगा, हमारा x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3. अब क्या है, ये दोनों एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो आइडेंटिटी होता है उसका फॉर्म में आ रहा है या नहीं, आ रहा है ना. तो वी कैन राइट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर है ना. ये स्क्वायर जो है वो ऑलवेज रूट से कैंसिल हो जाते हैं. नाउ विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0. 5/3 यहाँ पे भी इक्वल टू 0 होते हैं, 5/3 इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि फ्रैक्शन में तो लेंगे नहीं, हमें चाहिए बिल्कुल ये नेचुरल नंबर में. तो x तो यहाँ पे 3 हमारा एलसीएम हो गया है ना. 3 क्या हो गया, एलसीएम. 3 हमने एलसीएम लिया, इसके साथ मल्टीपल हुआ 3x² - 5 = 0 विच इज 3x² - 5 = 0 मल्टीपल 3 हमारे पास स्क्वायर माइनस 5. अब हम इसे क्या करेंगे ना, एज ए जी एक्स लेंगे. जी एक्स यानी कि डिवाइजर के रूप में हम इसे लेंगे और इनको डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा क्वेश्चन फाइंड होगा उस क्वेश्चन का मिडिल स्प्लिट करेंगे. थोड़ी सी लॉन्ग सॉल्यूशन है इसकी, तो मैं इसे रब कर रही हूँ है ना. ये सारा पार्ट तो आपका सॉल्यूशन का पार्ट है ही. तो सबसे पहले 3x² - 5 / x³ - 3 x²(4+6x³ - 2x²) - 10x - 5. ये 5 है ना. इसका मैं जो आंसर आएंगे ऊपर मैं लिखूंगी, इनके साथ डिवाइड करेंगे. बस हमें क्या लेना है, एक्स स्क्वायर लेनी है. एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x⁴ एंड ये एक्स स्क्वायर के साथ माइनस प्लस. सबसे पहले तो अब एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, ठीक है. ये आ गया माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और 5x² ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे. इसे एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन करेंगे एंड माइनस प्लस माइनस होगा, ग्रेटर की साइन जो है वो पॉजिटिव है. दैट्स वाई 3x² - 10x - 5. ओके, नाउ और आगे चलते हैं. अब आगे हमारा ये क्यूब है, दैट्स वाई पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन डालेंगे. तो यहाँ पे 6 है, यहाँ 3 है, तो 2x क्या लेंगे, 2x. जब 2x लेंगे तब आ जाएगा हमारा 6x³ एंड 5 × 10x. यहाँ पे भी अब आ गया, ये आ गया माइनस प्लस माइनस 10x. ओके, ये हो गया माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया. हमारे पास बचा स्क्वायर एंड माइनस स्टेप, विच इज अभी क्या करेंगे,
प्लस वन से मल्टीपल करेंगे एज इट इज आ जाएगा 3x² - 5, ये हो जाएंगे माइनस प्लस, ये कैंसल हो गया जीरो। हमारे पास जो अब इन दोनों का मल्टीपल, अगर इन दोनों इन सब का अगर मल्टीपल करते हैं, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा, है ना। अब हमें क्या करेंगे, इसका मिडिल स्प्लिट करेंगे, x² + 2x + 1, ओके, x² + x + x + 1, ओके, विच इज ये क्या हो गया, मल्टीपल करने के बाद 1 आ गए, अब प्लस करने के बाद x कॉमन लिया x + 1 एंड +1 कॉमन लिया x + 1 एंड x + 1, हमारे दो और जीरोज आए, दो की सेम आए, यानी कि -1 एंड -1, x + 1 = 0 देन x = -1 एंड अगेन दूसरा जो है वो भी x + 1 है = 0 देन x = -1। तो इस पॉलिनोमियल का तीन जीरो हुआ है, तीन जीरोस हुए, एक हो गए, मतलब कि अगर फाइंड करें तो -1 -1 ही दो है, सेम जीरोस है, तो सारे जीरोस क्या लिखना है, अदर टू जीरोस आर -1 एंड -1, ओके। इस तरीका से थर्ड पार्ट मैंने सॉल्व किया। अब फोर्थ, जो कि ऑलरेडी मैं क्वेश्चन लिख रखी हूँ, जब भी हमारे पास जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रिक के अलावा अगर गिवन होते हैं तो सॉल्यूशन का यही रूल है, ऐसे सॉल्यूशन ऑलरेडी नाइन्थ में भी आप कर चुके हो, है ना। तो यही है कि पहले उस जो भी हमें जीरोस गिवन है उन जीरोस का मल्टीपल फाइंड करते हैं, यानी कि उसका एक पॉलिनोमियल मल्टीपल करने के बाद फाइंड करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि उस जो हमें मतलब उसे एज ए जी एफ एक्स ले करके, यानी डिवाइजर लेते हुए जो हमें पॉलिनोमियल गिवेन होते हैं उसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो पॉलिनोमियल फाइंड होता है फिर उसका हम क्या करते हैं, मिडिल स्प्लिट फाइंड करते हैं, मिडिल स्प्लिट करके यानी कि उसका और भी आगे का जीरो फाइंड कर देते हैं। नेक्स्ट विच इज गिवेन, फोर्थ क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई अ पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 एंड -2x + 4, है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ना, क्या है कि जब हम डिवाइड करते हैं इसको किसी भी एक मतलब जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है, कि जी ऑफ एक्स से जब फाइंड करते हैं तो जो उसका कोशेंट और रिमाइंडर आता है वो ये दोनों है ना, ये दोनों रेस्पेक्टिवली, तो फाइंड करनी है जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा ये डिवाइडर डिवाइड करने का जो है वो हम कैसे लिखते हैं, तो वी कैन राइट लाइक दिस कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीपल क्वेश्चेंट प्लस में रिमाइंडर, बट इस फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, तो डिवाइजर को पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स जिसे डिवाइजर करते हैं, मल्टीपल क्यू ऑफ एक्स जिसे क्वेश्चेंट करते हैं, एंड आर ऑफ एक्स जिसे रिमाइंडर करते हैं। अब हमारे पास तीन चीज गिवन है तो फोर्थ पार्ट तो आसानी से उसे हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। पी ऑफ एक्स विच इज x³ - 3x² + x + 2 इक्वल टू जी ऑफ एक्स हमें फाइंड करनी है, है ना, इसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, मल्टीपल क्यू ऑफ एक्स विच इज x - 2 एंड प्लस में रिमाइंडर विच इज -2x + 4। अब इसकी सॉल्यूशन करेंगे और कुछ भी नहीं है ना, ये प्लस के साथ है तो दूसरे साइड आकर के वो माइनस हो जाएंगे, q - 3x² + x + 2, यहाँ पे माइनस एंड अगेन -2x + 4, ओके, एंड इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीपल x माइनस
अब इसको इसका ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में टू माइनस माइनस प्लस टू एक्स माइनस प्लस माइनस फोर इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीपल एक्स माइनस टू। ओके नाउ ये दोनों टर्म सेम है तो इसका यूज करेंगे और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू को एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव है दैट्स वाई थ्री एक्स एंड माइनस प्लस माइनस टू इक्वल टू और ये जो मल्टीपल में है वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा यानी एक्स माइनस टू इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे इससे इसको डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है वो फाइंड हो जाएगा। एक्स माइनस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर देन एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस होगा टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसल हो गए एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे एक्स से मल्टीपल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस टू एक्स एंड हाँ ओके प्लस माइनस ये कैंसल हो गया माइनस प्लस माइनस होगा तो एक्स माइनस टू अब यहाँ पे प्लस वन ओके देन एक्स माइनस टू माइनस प्लस कैंसल हो गए तो हेंस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में वन। तो इस तरीका से हमने जो बेसिक फॉर्मूला है उसे लिया कुछ सॉल्यूशन किए फिर डिवाइड करके जी ऑफ एक्स को फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर फाइव विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज गिव एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिनोमियल्स यहाँ पे एग्जाम्पल हमें देने हैं है ना एग्जाम्पल देना है तो इसका मतलब क्या है पहले मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू डिविडेंड जी ऑफ एक्स डिवाइजर क्यू ऑफ एक्स क्वेश्चन आर ऑफ एक्स रिमाइंडर ओके विच सेटिस्फाई द डिविजन एल्गोरिथम जो ऐसा हमें एग्जाम्पल देना है जो डिविजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई भी करे और कंडीशन क्या है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स पी ऑफ एक्स मतलब पी ऑफ एक्स यानी डिविडेंड का जो डिग्री हो वो क्वेश्चन की डिग्री के बराबर हो है ना। तो कहने का मतलब है कि इस तरीका का जब भी कंडीशन आए कि क्वेश्चन का क्वेश्चन कहने का मतलब ये हो गया पार्ट ये हो गए हमारे डिविडेंड का यानी कि ये हो गए हमारा पी ऑफ एक्स का पार्ट ये हो गए जी ऑफ एक्स का पार्ट और ये हो गए Q of X का पार्ट और लास्ट में ये हो गए R of X का पार्ट ओके यहाँ पे समथिंग कुछ भी है ना जिसके बाद हमें फाइंड किया R of X तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है हमें फर्स्ट पार्ट में यही दिया हुआ है कि इनका डिग्री दोनों का इक्वल हो तो डिग्री इक्वल होने के लिए हमें ऐसे एग्जांपल लेने होंगे कि मान लीजिए कि अगर इधर हमने कोई भी एक एग्जांपल लिया सपोज दैट है ना कि पी ऑफ एक्स लिया पी ऑफ एक्स लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस में फाइव प्लस में टेन ठीक है ओके अब हाँ ये एक्स अब दूसरे में अगर ये हमने पी ऑफ एक्स में लिया तो इसकी जगह पे ये एक्स पे स्क्वायर है यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं पावर हम कोई भी एक पॉलिनोमियल ले सकते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ कि आप मैक्सिमम वैल्यू टू लो या थ्री लो कुछ भी ले सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे दूसरे जब हम जी ऑफ एक्स के जगह पे सॉरी ये मैंने गलत किया दिस इज पी ऑफ एक्स एंड दिस इज जी ऑफ एक्स ओके हाँ डिवाइजर ये अब पी ऑफ एक्स में एक्स एक्स वेरिएबल है अगर x जो वेरिएबल है उसके अगर मैंने q ऑफ x सॉरी g ऑफ x में भी कोई वेरिएबल ले लिया तो क्या हो जाएगा मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ले लिया x प्लस में 2 और 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 है ना अब ये जब मैं डिवाइड करूँगी तब यहाँ क्या होगा x लेंगे तो इन दोनों का पावर कहाँ सेम रह गया यानी डिग्री कहाँ सेम रह गया नहीं रह गया ना
तो इसके लिए हमें ऐसे ऐसे नंबर कभी भी हम वेरिएबल को ले ही नहीं सकते हैं, तो हमें क्या लेना होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू। ऐसे कांस्टेंट वैल्यू को लूँ जिससे कि ये जो हमारा है, ये देखो 5 लिया तो 5 क्या है, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे x स्क्वायर लूँ तो 5x² एंड आगे जाएगा ये कैंसल होंगे, नेक्स्ट मैं ले लूँ अगेन x, तब ये हो जाएंगे ये हो जाएगा 5x + 10, देन ये 5x, फिर ये कैंसिल होंगे एंड प्लस में मैं ले लूँ 2, तो ये हो जाएंगे 10 से कैंसिल, है ना, इस तरीका से। अब यहाँ पे चेक करना है इनकी जो डिग्री है और इनकी डिग्री दोनों इक्वल हो गए ना, यही चीज़ बोला जाता है ऐसे ही एग्जाम्पल। तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 2। तो एग्जाम्पल का कोई एंड नहीं है, आप जो मतलब कि, और हाँ ये क्या है, सेटिस्फाई कर रहा था ना, सेटिस्फाई कर रहा था डिवीजन एल्गोरिदम को। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीपल क्यू ऑफ एक्स प्लस में आर ऑफ एक्स, इसके अकॉर्डिंग। हाँ, और क्या लिया था मैंने, ये जी ऑफ एक्स, ये तो क्यू ऑफ एक्स हुआ, क्यू ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स मैंने लिया था 5। अब इसे हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, 5x² + 5x + 10 इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्या लिया, 5 इंटू यानी x² + x + 2 एंड प्लस में 0। सॉल्व करेंगे 5x² + 5x + 10 एंड 0 से खत्म, तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, हमने उसे वेरीफाई भी किया कि ये दोनों जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन ये प्राप्त होता है, और दोनों की जो डिग्री है वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट है। इसमें कहा जा रहा है सेकेंड पार्ट में कि डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, इन क्वेश्चन की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए और कई मतलब कि हमें जब कांस्टेंट वैल्यू हमारा बोथ साइड, अगर सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले लूं कि लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² + 2x + 6 ओके, एंड जी ऑफ एक्स इसका ले लूं जी ऑफ एक्स इक्वल टू x² + x + 3 ओके, अब इसे डिवाइड करते हैं, है ना, अब उसके बाद चेक करते हैं x² + x + 3 इंटू 2x² + 2x + 6 ओके, चलो यहाँ मैंने 2 लिख दिया, चलो अब आ गया 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2x², सिंपल सिंपल छोटा छोटा सा ही एग्जांपल लोगे तो बेहतर होगा, अदरवाइज नहीं, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं हैं, सिर्फ आपको एनसीईआरटी में गिवन है तो सीखना भी है ओके, दैन 2x + 2 2 = 4 ओके, माइनस प्लस ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, प्लस हो जाए यहाँ पे, हाँ माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस होने के बाद आया 2। अब ये दोनों की डिग्री, कांस्टेंट वैल्यू की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, आप देखो दोनों का सेम डिग्री आ गया, तो इस तरीका से क्वेश्चन, तो हेंस क्वेश्चन क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ, हाँ डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, है ना, हमने फाइंड किया, हमने इस एग्जांपल में एक ये लिया और दूसरा। लास्ट पार्ट है आपका कि हमें जो रिमाइंडर की जो डिग्री चाहिए, तो उसमें आप सेम वाले एग्जांपल का भी दे सकते हो अगर अलग से आंसर आता है, तो देखो इसकी डिग्री क्या है, 4 है, या तो फिर चलो एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ, लेट, अच्छा पहले यहाँ पे लिख दूँ मैं डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब हमें जो रिमाइंडर की डिग्री चाहिए वो 0 चाहिए। 0 कहने का मतलब ये है कि हमारे
जब हम डिवाइड करें दो पॉलिनोमियल को तो एंड में जो हमारे पास रिमाइंडर बचे वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना, कोई वेरिएबल के साथ नहीं। ओके नाउ लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 8x² + 8x + 16। ओके एंड जी ऑफ एक्स ले लेती हूँ अगर लिया टू एक्स प्लस में 2। चलो अब इन्हें डिवाइड जब करेंगे तो x² + x + 2 लिया तो 8x² + 8x + 16। 8 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएंगे 8x² + 8x + 8 2 = 16। माइनस माइनस सारे जी क्या, तो आप यहाँ पे कोई और डिजिट भी ले सकते हो जिससे कि यहाँ पे कोई डिजिट भी एग्जिबिट हो। यहाँ पे मान लीजिए जीरो के जगह पे कुछ और आए तो जितने भी होल नंबर है ना बेसिकली उनके पावर जीरो होते हैं। तो हमारा जो है वो रिमाइंडर के यहाँ पे रिलेट नहीं करना है, हमें रिमाइंडर की जो डिग्री है वो जीरो चाहिए था। तो हेंस डिग्री ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है ना। यहाँ पे क्या है, हमने ये दोनों अगर आप एग्जांपल हमारा ये हुआ, एग्जांपल ये हुआ, ये हमारा डिविडेंड हुए और इसे ये भी क्या करता है सेटिस्फाई कर रहा है। आप इस तरीका से एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम को आप फाइंड करोगे, इट मीन्स ये मल्टीपल ये एंड प्लस में ये, तो ये आपको हमें डिविडेंड के फॉर्म में देगा। तो इस तरीका से ये डिविडेंड का जो भी डिवाइजर का ये डिवीजन का जो एल्गोरिदम को सेटिस्फाई भी कर रहा है और इस तरीका से हमने उसके डिग्री को भी फाइंड किया। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना।